हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बार मैग्नेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो लास्ट में मैंने बताया था कि कोई भी मैग्नेट को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसके साथ जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? माइनस एम डॉट क्या होता है? बी होता है। क्या होता है? माइनस एम डॉट बी, आई मीन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, है ना। उसके बेसिस पे देखो क्या होता है, मैंने पहले भी मैं ये बता चुका हूं, है ना, कि जब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल के साथ ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए? दो सिचुएशन होना चाहिए। आई मीन स्टेबल कब होगा? जब टॉर्क, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क जीरो दो सिचुएशन में होता है, एक तो क्या होगा, थीटा जीरो डिग्री होगा, और दूसरा क्या होगा, थीटा 180 डिग्री होगा। दोनों केस में क्या होता है, क्या होता है? टॉर्क जीरो होता है। तो जब क्या होगा, देखो यहाँ क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टेक इधर होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। तो यहाँ एम और बी फर्स्ट केस में क्या, आई मीन फिगर में पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री। टॉर्क कितना होगा? एम बी साइन थीटा होता है, इसलिए टॉर्क जीरो। यू इक्वल टू क्या होगा? माइनस एम बी। यहाँ टॉर्क भी लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एम क्रॉस क्या होगा, बी, है ना, ठीक है, ये होता है, ये तो आप जानते ही हो। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस एम बी। क्या होगा? माइनस एम बी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, आई मीन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसलिए इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। इस केस में आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू क्या है? राइट। और मैग्नेटिक मोमेंट एम का जो डायरेक्शन है वो क्या है? राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ जो है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है। और जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एंटी पैरेलल होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? प्लस एम बी हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, भी हम इसको बोल सकते हैं क्या होगा, मीन, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये मैक्स हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं यू जो होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, लेस देन क्या होगा, प्लस एम बी, है ना, और ग्रेटर देन क्या होगा, माइनस एम बी। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, ध्यान देना है ना, माइनस एम बी और ये क्या है, प्लस एम बी, कि बीच ही क्या होगा, लाई करेगा पोटेंशियल, व्हाइल टॉर्क क्या होगा, जीरो टू एम बी लाई करता है, ठीक है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया और ये होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, कुछ नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देन फाइंड द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। इनिशियली क्या है, पैरेलल है, अब पैरेलल से क्या करना है आपको, कुछ थीटा एंगल पे टिल्ट करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड में क्या है, पैरेलल टू परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। थर्ड में क्या है, पैरेलल टू एंटी पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, फील्ड, ठीक है। तो ये होमवर्क है, तीन क्वेश्चन है, एक ही बेसिकली एक क्वेश्चन है, इसमें हमने तीन पार्ट डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, है ना, और तीनों केस में टॉर्क भी कैलकुलेट कर लेना। इवन मैंने टॉर्क नहीं लिखा है, लेकिन आप क्या करना, टॉर्क कैलकुलेट कर लेना। अब हम क्या पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ क्या होगा, बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगला जो पॉइंट है हम क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या बार मैग्नेट भी हम बोल सकते हैं। देखो क्या है, ये यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी। अभी क्या है, यदि देखो यही क्या है, बार मैग्नेट है, इससे क्या करो कि मैग्नेटिक फील्ड से थोड़े टिल्ट करके क्या करो, छोड़ दो, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, ऑसिलेट करने लगता है। देखो ध्यान से, यहाँ आप देखोगे तो यही क्या है, बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है और इधर क्या है साउथ, और यही आप समझ लो कि क्या है, इसका मिड पॉइंट है ना, ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो M का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, और B का डायरेक्शन इधर ही है ना, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब मान लेते हैं कि मैग्नेट कैसा है, थीन है ना, ये सिंपल मैग्नेट हम मान लेते हैं जिसका मास क्या दिया हुआ है, देखो मास क्या दिया होगा, तो मास क्या है, एम है ना, एम स्मॉल एम लेता हूँ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ मैग्नेट है ना, बाद में इसको दूसरे एल आम क्या लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है, और आई यहां लिख देता हूं, आई क्या है, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ मैग्नेट, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इनिशियली ऐसे है, देखो ध्यान से ऐसे रखा गया है, आई मीन क्या होगा, हम जब भी SHM पढ़ते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करते हैं, हम डिस्प्लेस करते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। अभी हमने देखा, देखो जब थीटा जीरो डिग्री है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल। तो जैसे ही क्या करोगे, आप इसको इस तरह थोड़ा टिल्ट करके छोड़ दोगे, तो देखो इधर फोर्स क्या लग रहा है, एफ ई, कल ही बताया था, एफ प्लस इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू क्या होगा, एम इंटू बी, इधर लग रहा है ना, और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एम एफ माइनस, मैंने बताया था है ना, एफ माइनस एम बी, इधर लग रहा है। इसके वजह से क्या होगा, ये टॉर्क इस पे क्या होगा, कि वेन क्या होगा, डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड, है ना, यहां लिखता हूं, वेन मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड, तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा, इस पे एक टॉर्क लगेगा जो क्या होगा, रीस्टोरिंग नेचर का होगा, जब आप इधर टिल्ट करोगे तो फोर्स क्या लगेगा, इधर तो ऐसे टिल्ट होगा, यहाँ देखो ये कैसे टर्न हो रहा है, ऐसे हो रहा है, थोड़ा आप इधर टिल्ट कर दोगे तो क्या होगा, ऐसे टर्न होगा, है ना। तो सेकंड केस आप खुद से भी समझ सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वेन क्या होगा, वेन ए मैग्नेट, वेन ए मैग्नेट, बार मैग्नेट है ना, when a bar magnet या when magnetic dipole लिख लो, when magnetic dipole is turned या is displaced at an angle थीटा, डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल है ना, डिस्प्लेस थ्रू एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड देन ए टॉर्क विल एक्ट ऑन इट विच ट्राई टू bring the dipole to its equilibrium position,
इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क हमने इसके अबाउट ओ के अबाउट कैलकुलेट किया है, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी क्या होगा, साइन थीटा। यहां से देखोगे कि ये क्या होगा, देखो यहां क्या होगा, हेंस मोशन विल बी क्या होगा, क्या होगा, हेंस मोशन विल बी क्या होगा, ऑसिलेटरी। हेंस यहां बोल सकते हैं हेंस, यहां क्या है, टॉर्क क्या है, इनवर्सली टॉर्क क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो इसलिए मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी। हेंस यहां क्या होगा, हेंस मोशन ऑफ क्या होगा, मैग्नेट, मैग्नेट इज ऑसिलेटरी। ठीक है, क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। अब जब ये ऑसिलेटरी होगा तो अब हम क्या करेंगे, यदि थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं, यहां देखो हम क्या लिख सकते हैं, इफ थीटा इज क्या होगा, वेरी स्मॉल, है ना, क्या मान लें, इफ इफ देखो तो क्या होगा, इफ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन हम लिख सकते हैं, देन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, थीटा, और लिख सकते हैं कि टॉर्क अबाउट ओ इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम बी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आई अबाउट ओ इंटू अल्फा माइनस एम बी थीटा, और अल्फा या आई सिंपल हमने लिखा था, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम बी आई। तो हेंस क्या होगा, एंगुलर एसएचएम होगा। हेंस यहां से बोल सकते हैं बाय कंपेयरिंग, देखो क्या होगा, हियर क्या होगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस थीटा। हेंस हम बोल सकते हैं हेंस क्या होगा, हेंस हेंस क्या होगा, हेंस इफ क्या होगा, इफ थीटा इज क्या होगा, वेरी स्मॉल, देन मोशन ऑफ मैग्नेट इज एंगुलर एस एच एम, एंगुलर एस एच एम, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर एस एच एम। अब यहां से नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम, आपको ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, मैंने बताया था एसएचएम कि क्या होगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, आई मीन क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड इक्वेशन अब क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, नाउ लिख सकते हैं, नाउ कंपेयरिंग विथ, ठीक है, नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस, ये दोनों से कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम, है ना, एंगुलर एस एच एम, ठीक है, वी गेट है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम बी अपॉन क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन, सॉरी एम बी अपॉन क्या होगा, एम बी अपॉन आई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होता है आपको मालूम है, नाउ टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ से लिख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई अपॉन ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं टू पाई अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, आई अपॉन एम ए। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिखा, टाइम पीरियड टी। ठीक है, ये चीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ना,
कि टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो आई क्या है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। आई देखो ये क्या है, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड यहाँ है सब कुछ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ यदि आप ध्यान देना, एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि द बार मैग्नेट इज थिन, क्या होगा, इफ देयर इज ए थिन रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, ये क्या होगा, यहां देखना है, देखो ध्यान से क्या होगा, वेन यहां लिखेंगे, नोट में लिख लेना, है ना, वेन बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, या ऐसे देखो यहां क्या होगा, वेन बार मैग्नेट इज क्या होगा, वेन बार मैग्नेट इज क्या होगा, अच्छा चलो इसको बाद में लिख लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो होता है ना, यहाँ लिख देंगे नोट में, यहाँ एक पॉइंट लिख लो नोट में, मैग्नेटो आगे हम पढ़ेंगे, मैग्नेटो बार मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटो नहीं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन वाइब्रेशन मैग्नेटो मीटर वर्क वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल टू कंपेयर टू कंपेयर मैग्नेट टू मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक मोमेंटा ऑफ टू मैग्नेट्स, मोमेंटा ऑफ टू मैग्नेट्स ऑफ टू मैग्नेट्स। ये बहुत आसान होता है, ये ऐसे मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये तो मैं आपको कुछ नहीं है, जब ये आप समझ जाओगे तो इसमें केवल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी आता है वहाँ, तो अभी केवल ये वाइब्रेशनल वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखो यहाँ क्या आई एम और क्या है बी, तो क्या होगा, मोमेंट मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी हम दो मैग्नेट का कंपेयर कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से तीनों चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं क्या कि एक पॉइंट याद रखना है कि यदि क्या होगा, इससे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, तुम देख सकते हो यहाँ से, है ना, कि या एक पॉइंट याद रखना है नोट में, जब न्यूमेरिकल में पूछा जाए, अगला पॉइंट क्या है नोट में कि व्हेन बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर एंड थिन, क्या होगा, व्हेन जिसे अभी क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हेन व्हेन बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर, व्हेन व्हेन बार मैग्नेट इज थिन रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर, देन जनरली यही रहेगा, देन आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसकी थिकनेस को हम क्या बोल, एम एल स्क्वायर अपॉन क्या होगा 12, सिंपल क्या होगा, एक रॉड की तरह हम क्या करेंगे इसको ट्रीट करेंगे, अरे यही है, देखो ध्यान से, इसका लेंथ क्या है एल दिया हुआ है ना, इसका मास क्या है एम है, इसकी नॉर्थ पोल यहाँ है और यहाँ क्या है साउथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो यदि अब यहाँ इफ देखो तो रो क्या है मास डेंसिटी
ठीक है, और क्या होगा, ये क्या है, एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल मैंने बताया भी था लेंथ, लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो हम यहां रो इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू क्या लिख सकते हैं रो सॉरी एम इक्वल टू, एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू एल, ठीक है, ये ध्यान देना है ना। तो यहां आप देखोगे तो आई इज इक्वल टू, आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो जाएगा रो, यहाँ 12 होगा, सॉरी एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है यार, इसके सेंटर के अबाउट, ओके अबाउट, यही सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा रो ए बाई क्या होगा 12 एल क्यूब, ठीक है, क्या होगा, इसकी जरूरत होगी। तो ये तुमको ध्यान देना है कि यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि I is equal to क्या होगा रो अपॉन 12 इंटू क्या होगा A इंटू क्या हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी से क्वेश्चन अभी देखो, अभी हम सॉल्व करेंगे तो तुमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, है ना, तो ये समझ में आया कि टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा 2 पाई अंडर रूट क्या होगा आई अपॉन क्या होगा एम बी, क्या होगा आई अपॉन एम बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मालूम चल जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ए एल क्यूब, है ना। तो यहां से लिख सकते हो ये क्या हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूं, ठीक है, यहां दिया हुआ है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यहां दिया हुआ है, इस पे एग्जांपल हम देखते हैं, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थीन रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज suspended freely in the uniform magnetic field B, magnetic has time period t, ठीक है, ये समझ में आना कि ये थीन रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b हैज टाइम पीरियड t। देखो जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है तो हमेशा हम थीन रेक्टेंगुलर कंसीडर करते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देखो यहां दिया हुआ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, इफ द मैग्नेट इज ब्रोकन एन इक्वल पार्ट्स, इफ द मैग्नेट इज broken n equal parts e में दिया हुआ है, देखो along parts parallel to its length, है ना,
in equal parts parallel to its length, है ना, और B में जो दिया हुआ है perpendicular to its length. ठीक है, n equal parts parallel to its length and parallel to, sorry, perpendicular to its length and, यहां दिया and, one piece या one part in each case A and B are made. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ एन किया है, तुम वो बुक में देखोगे तो वहां क्या होगा, टू पार्ट थ्री पार्ट ऐसे, और जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस टाइप के जेई नीट जो भी है, तो एंड वन पार्ट इन ईच केस ए एंड बी, समझ में आया ना, एन पार्ट्स में क्या किया जा रहा है, ब्रेक कर दिया, और एक पार्ट को पहले केस ए और पहले केस बी में क्या किया जा रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है ना, एंड वन पार्ट इन केस इन ईच केस ए एंड बी इज मेड टू ऑसिलेट इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड में. समझ में आया क्या क्वेश्चन, कि ये कोई बार मैग्नेट है, देखो उसको क्या किया, उसका टाइम पीरियड देखो, ये क्या है, बार मैग्नेट है, और क्या किया गया, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया गया, तो टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू टी दिया हुआ है, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यही केस है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन ऐसे है ना, कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया है ना, ये क्या है, बी है, और ऐसे बार मैग्नेट को हमने क्या किया, इसके सस्पेंड किया हुआ है, ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ा गया है, ऐसे नहीं तो ये तो गिर जाएगा यार, ऐसे कहीं सस्पेंड किया गया होगा है ना, ऐसे, ठीक है, जस्ट हमको इससे कोई मतलब नहीं है, है ना, तो यहाँ जो टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट क्या है, आई अपॉन क्या है, एम बी, यही होगा ना, यही इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है ना, ठीक है, सब कुछ मास डेंसिटी वगैरह जो भी दिया है, ये दिया नहीं रहेगा, ये अपने को खुद से क्या करना है, निकालना, ये क्वेश्चन है. अब क्या किया गया है कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, पैरेलल टू इट्स लेंथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, पैरेलल टू इट्स लेंथ क्या किया गया है, उसको ब्रेक किया गया. अब देखो तुमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है यार, तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट ईच पार्ट का मालूम हो जाए, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं है, और इसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी तुमको मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो देखो यहाँ ध्यान से, तो अभी क्या किया गया, क्वेश्चन हम फर्स्ट में आते हैं, ए में क्या दिया हुआ है, व्हेन, क्या होगा, व्हेन, ये बताया हुआ है, व्हेन मैग्नेट इज क्या होगा, ब्रोकन पैरेलल टू इट्स लेंथ, पैरेलल टू क्या होगा, इट्स लेंथ, तो लेंथ के पैरेलल, जैसे देखो यहां क्या होगा, यहां देखो ये बता दिया हूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था, यही है, इसका एरिया क्या है, ए है, और इसका लेंथ क्या दिया हुआ, एल दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. अब ऐसे हमने क्या किया, एन इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर रहे हैं ना यार, डैश 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 डैश, एक पार्ट के बारे में सोचो, तो एक पार्ट हमने ले लिया यहाँ, तो देखो यहाँ क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ तो एज इट इज रहेगा यार, और आप देखोगे यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इक्वल पार्ट में है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई एन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें इस केस में क्या हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था इसके पहले, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, रो अपॉन टूएल्व ए एल क्यूब, यही होता है ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं
ये क्या होगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मीन हम यहां बोल सकते हैं कि आई डैश अपॉन आई, आई डैश क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया इच पार्ट का, ठीक है। तो आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू, सॉरी रो नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। तो ए डैश अपॉन क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहां ये भी लिख सकते हो कि आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए डैश अपॉन क्या लिखोगे, और ए डैश कितना होगा, देखो यही क्या है, ए डैश है। ए डैश का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच मैग्नेट। यही मैग्नेट था, इधर देखो इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा यार, ये तो आपको मालूम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू रखोगे ए डैश का तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, आई अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहां से मालूम चल गया, देखो आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन क्या हो गया, ये क्या हुआ, आई क्या होगा, आई डैश क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यू मैग्नेट, ठीक है, और आई क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट, और एन क्या है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। ठीक है, तो आई मालूम चल गया। इसके बाद मैंने बताया था कि देखो कि यदि इच पार्ट का क्या हम कंसीडर कर लें, देखो मैंने ये बता दिया था कि क्या होगा, पैरेलली क्या होगा, यहाँ एम डैश यदि देखोगे, आई मीन इसका एम डैश, तो एम डैश कितना होगा, ये भी मैंने बता दिया कि एम डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाई एन। इसके पहले वाला लेक्चर तुम लोग देख लेना, वहां मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो टी डैश, आई मीन टी डैश का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड ऑफ इच न्यू मैग्नेट क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, आई डैश अपॉन एम डैश इंटू बी, यही होगा, वैल्यू रख दो, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई अंडर रूट, आई का वैल्यू क्या रखोगे, आई अपॉन क्या रखोगे, आई डैश अपॉन क्या रखोगे, एन इंटू एम अपॉन क्या होगा, एन इंटू क्या होगा, बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी डैश इक्वल टू क्या, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कि वेन क्या होगा, वेन बार मैग्नेट इज ब्रोकन अलोंग क्या होगा, क्या होगा, अलोंग इट्स लेंथ, है ना, एंड वन पीस ऑफ द मैग्नेट इज मेड टू ऑसिलेट इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, देन द टाइम पीरियड ऑफ द क्या होगा, न्यू मैग्नेट विल बी इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ क्या होगा, ईच मैग्नेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको माइंड में रखना चाहिए, है ना। तो यहां आप लिख देते हैं नोट में यहां लिखना है ना, कि वेन ए मैग्नेट इज When a magnet having time period T in the uniform magnetic field B, when a magnet having time period T in the uniform magnetic field B is broken into N equal parts N, and each part and one part क्या होगा, and one part and broken into n equal parts and one part
is made to oscillate in the same magnetic field, then time period T dash of each part, each piece of magnet will be same as time period of original magnet. ठीक है, दैट इज टी डैश इक्वल टू क्या होगा टी. ये ध्यान रखना है, यदि ये रिजल्ट मालूम है तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट भी मैं बता देता हूँ. सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है कि लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर ब्रेक किया जा रहा है. तो ये समझ में आया कि जब लेंथ के पैरेलल हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ईच पार्ट का जो टाइम पीरियड होगा वो ओरिजिनल मैग्नेट के टाइम पीरियड के क्या होगा, इक्वल होगा, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, सेकंड केस में क्या है, बी में देखो कि व्हेन मैग्नेट इज क्या होगा, ब्रोकन परपेंडिकुलर टू इट्स क्या होगा, इट्स लेंथ. देखो ध्यान से, यही मैग्नेट है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसको अब हम क्या करें, ऐसे है ना, डैश 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 डैश, ऐसे हम क्या करें, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ देखोगे, यहाँ कांस्टेंट क्या रहेगा, a क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, a कांस्टेंट हो गया तो m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, याद रखना है ना, पोल स्ट्रेंथ, मास मत मान लेना तुम लोग, है ना. क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, एल देखो अब एक पार्ट लोगे तो एक पार्ट ऐसे बच मिल गया यार, है ना. तो इसका लेंथ ईच पार्ट का क्या हो जाएगा, एल बाई एन हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहेगा. यहाँ आप देखोगे तो एम डैश भी लिख देता हूँ, एम डैश इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा. ये पढ़ा चुका हूँ पहले ही. ठीक है, अब आई जो लिखोगे यहाँ, आई इज अगेन इक्वल टू क्या होगा, देखो तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन यहां हम बोल सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल के. ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि आई, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो ए अपॉन 12 एल डैश क्यूब, यही होगा ना, एल डैश क्यूब. यहाँ I डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो ए अपॉन 12 इंटू क्या होगा, एल क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, एन क्यूब, और ये ओरिजिनल मैग्नेट का टाइम पीरियड है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट, तो I अपॉन क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा. तो अब सब कुछ क्या होगा, मालूम चल गया अपने को. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, अब तुम देख सकते हो कि एन पार्ट, थ्री पार्ट करें, फोर पार्ट करें, फाइव पार्ट करें, तो हम इसको यूज करके तो अब हम लिख सकते हैं कि टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट क्या होगा, आई डैश अपॉन एम डैश बी. टी डैश क्या है, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, देखो आई अपॉन क्या लिखेंगे, एन क्यूब इंटू एम अपॉन क्या होगा, एन इंटू बी, यही होगा. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पाई क्या आएगा, आई अपॉन एम बी इंटू क्या होगा, 1 अपॉन एन. यहाँ क्या हो जाएगा, T डैश इक्वल टू क्या होगा, T अपॉन क्या हो जाएगा. तो यहाँ ध्यान देना है, टाइम पीरियड ऑफ ईच पीस, ठीक है, पीस ऑफ मैग्नेट, ठीक है, इट क्या हुआ, टाइम
पीरियड ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट मैग्नेट और एन क्या है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अब इसी पे बेस्ड क्या करना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे ही वन पार्ट टू पार्ट मैंने जनरल रिजल्ट बता दिया तो इस पे आप प्रैक्टिस करना ठीक है आज के क्लास में बस इतना ही इसके नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और हम सम देखेंगे ठीक है ओके थैंक यू।